बच्चों देखो, लास्ट क्लास में मैंने एक पोयम आपको कराई थी चाइल्डहुड, जिसमें उस लेखक अपने बचपन से निकलकर एडल्ट वयस्क या जवान होने की दहलीज पर होता है और वह अपनी सिंपलिसिटी और मासूमियत छोड़ आता है। इसी को लेखक कवि कवि ने बताया था। उसी के क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर करा रहा हूँ। वॉट अकॉर्डिंग टू पोएट पोयम इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, यानी इस पोयम में बच्चे के ग्रोन अप यानी बचपन से जवान होने के लिए क्या शामिल किया गया है। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू पोयम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप यानी बड़े होना, बड़े होना। तो बड़े होने में यहाँ पर जो शामिल किया गया है, इन्वॉल्व द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। मेंटल मैच्योरिटी यानी मानसिक, है ना, रूप से परिपक्व होना। यानी जब आप बचपन से जवानी की ओर जाते हैं तो उसमें मानसिक रूप से मैच्योर या परिपक्व होना शामिल है। एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, ये लॉस है, लॉस ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस यानी मासूमियत, मासूमियता, और सिंप्लिसिटी यानी सरलता। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप बड़े हो जाते हैं तो अपनी मासूमियता और सिंप्लिसिटी यानी सरलता को छोड़ देते हैं। द ग्रोन अप हैज़ द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटासी, यानी जब आप बड़े हो जाते हैं तो वास्तविकता और फैंटासी यानी कल्पना शक्ति की कहानियां, है ना, जो आप सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, उन दोनों की शक्ति का अंतर आप शुरू कर देते हैं। ये लेखक ने इस यूनिट में बताया, इस क्वेश्चन सर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड। पोएट यानी कभी अपने चाइल्डहुड के लिए क्या बताता है, ठीक है, क्या फील करता है, क्या सोचता है, क्या समझाता है। तो ये बताया हुआ है, द पोएट फील्स दैट द चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। यानी चाइल्डहुड जो होता है वह हमारे मासूमियत और सरलता से भरा होता है। इट इज अ टाइम व्हेन वन ट्रस्ट अदर विदाउट आस्किंग फॉर लॉजिक। यानी इसमें आपने देखा होगा, जब आप छोटे होंगे, बहुत छोटे, कोई लॉजिक नहीं होती, एक मासूमियत भरा एक रिश्ता होता है। लॉजिक यानी कोई तर्क शक्ति नहीं होती है, जो अच्छा सरल तरीके से लगता वही शामिल होता है। ही सीम्स टू बी पजल्ड एट दिस अपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड। वह देख रहा था पजल्ड, ने एक टाइप का पहेली टाइप की बन गई थी कि अब उसका चाइल्डहुड बचपना कैसा हो रहा है, बीत रहा है। एंड द अराइवल ऑफ, अराइवल यानी पहुंचने लगा एडल्टहुड, और वह एडल्टहुड यानी जवानी के साइड पहुंचने लगा। ही एक्सप्रेसेस इस कंफ्यूजन व्हेन ही आस्क द क्वेश्चन। वह अपनी इस कंफ्यूजन को एक चीज से यहां पर प्रश्न पूछ के करता है, व्हेन एंड वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कहाँ चला गया, बचपना कहाँ चला गया, ये वो प्रश्न पूछता है, ठीक है। ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में इसका मैं आप लोगों को करने दे रहा हूँ, होमवर्क है। विच डू यू थिंक आर द मोस्ट
पोइटिक लाइन्स वाई, इसमें से आप क्या सोचते हैं कि इस पोयम की सबसे अच्छी लाइन कौन सी है और क्यों है? ठीक है, इनके ये क्वेश्चन आंसर को आप कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक नया लेसन है, द एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब क्या होगा? कोई रोमांचकारी कार्य करना, जैसे आप पहाड़ से और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करें, पतवार चलाएं आदि, इसी टाइप का एक रोमांचकारी कार्य। इसको लिखा हुआ है जयंत। ठीक, इसके कठिन और इम्पोर्टेंट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ड मीनिंग है, नंबर वर्ड है ब्राउज, पुस्तक के पन्ने पलटना। ब्राउज सबसे आजकल आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, कंप्यूटर, कंप्यूटर में ब्राउजिंग वर्ड आता है, ना कुछ कवर करना कोई साइट को, लेकिन ये वर्ड लिया गया है पुस्तक के पन्ने पलटने से। सेकेंड है प्रेज्यूम। प्रेज्यूम यानी किसी चीज को आप सच मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा किया होगा, दैट इज कॉल्ड द प्रेज्यूम। थर्ड इज फ्लोरिश। फ्लोरिश यानी फलना फूलना, बहुत अच्छे से जब कोई चीज फलती फूलती है, उपजाऊ होती है, ठीक है, ग्लैमराइज होती है, इसको हम फ्लोरिश बोलते हैं। फोर्थ इज एविडिटी। एविडिली यानी लालच से, ठीक है, जब अपन लालच जो वर्ड है उसको हम एविडिली बोलते हैं। रेलिगेट अवनति करना, आप प्रोग्रेस करते हैं यानी उन्नति करना, उन्नति का उल्टा वर्ड हो जाता है रेलिगेट, दैट इज अवनति करना। एक्यूमेन कुशाग्र बुद्धि का होना, बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि जिसकी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्यूमेन बोलते हैं। एस्ट्यूट होशियार इंटेलिजेंट। ठीक, व्हील्ड, व्हील्ड यानी प्रबंध करना, जो मैनेजर लोग करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड द व्हील्ड। शोभ, शोभ यानी पुश करना, धक्का देना, जब बहुत तेजी से धक्का दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द तो स्ट्रॉन्ग। भीड़, इसका मतलब होता क्राउड। ठीक है, आजकल क्राउड से बचने की आपको जानकारी दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड द थ्रो। राउट, राउट मीन्स शांति। ठीक, इग्नोमेरस अज्ञानी मुरुस, है ना, अज्ञानी मनुष्य, जिसकी जानकारी कम होती है, मूर्ख होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नो रेमस पुरुष बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाइबल। जीवन क्षम यानी किसी से सहायता ना लेना, अपनी जिंदगी खुद लेना, अपने पैरों पर खड़े होना, दैट वर्ड इज कॉल्ड द वाइबल, दैट मीन्स जीवन क्षम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको दूँ।